सारे ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के जय मसीह की। मैं पास्टर अशोक मसीह, प्रेजिडेंट यूनाइटेड पास्टर वेलफेयर एसोसीएशन के वलों आप सब के नाल कुछ गल्लां सांझियां करना चाहुंदा हाँ। असीं सारे जानते हाँ कि पिछले समयां तो लैके अज तक पूरी दुनिया के अंदर जो करोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर अपने पैर पसार रहा है और करोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग जड़े आ इस वायरस के कारण प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारिया जाना जड़िया इस करोना वायरस के कारण चले गई ने। और मैं सारे प्रभु के दासा प्रभु दिया दासिया और प्रभु के प्यारे बच्चों और सारे मसीही समाज को यह बेनती करना चाहता हाँ कि असी सारे मिल के और उस करोना वायरस करोना वायरस के कारण जो लोग इस वक्त पीड़ित ने और हॉस्पिटलों के अंदर ने, निराश ने और दुखी ने और डर दे विच ने, आओ असी सारे मिल के इन्हां लोगों के लिए प्रार्थना करिए। खास करके असी अपने देश के लिए दुआ करिए, असी प्रार्थना करिए अपने पूरे भारत देश के लिए और देश के अलग अलग देश के अलग अलग जिले के लिए और असी विदेशों के विच रह रहे साडे भैन भरावां दे लई जिथे जिथे भी लोग इस करोना वायरस के कारण जो लोग इस वक्त सानू चाहिए है कि असी सारे प्रभु दे दास जिथे जिथे भी हाँ असी सारे अपने उन्होंने अपने भैन भरावों के लिए जो इस वक्त इस करोना वायरस के कारण दुख विच ने, पीड़ा विच ने और डर दे विच ने, असी सारे उन्होंने लिए दुआ करिए। क्योंकि एक मसीही होने के नाते साडा यह फर्ज बनता है कि असी दुखियां बीमारा लाचारा के लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि बाइबल सानू यह सिखाती है कि तुसी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और ये जड़ा करोना वायरस जो पूरी दुनिया के अंदर फैलिया होया है ये खात्मे के लिए सानू प्रभु दे कोलों प्रार्थना करनी चाहिए है। क्योंकि असी बाइबल दे विच्चों पढ़ते हाँ कि जदों जदों भी ऐसियां विपतावां जदों लोगों के उत्ते आईया तो बाइबल कहती है कि उन्होंने परमेश्वर की हजूरी भाड़िया और जदों जदों उन्होंने अपने दुख दे या पीड़ा दे कष्ट दे समय दे अंदर खुदा की हजूरी भाड़िया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्होंने उत्ते दया की। तो सानू चाहिए है कि असी इस वक्त खुदा की हजूरी दे विच कुछ समय दे लई खुदा की हजूरी दे विच जाइए और प्रार्थना करिए ताकि खुदावंद साडे देश दे उत्ते और साडे पूरे भारत देश दे उत्ते और पूरे संसार दे उत्ते परमेश्वर अपनी कृपा नूं बहाल करे। जिवें बाइबल सानूं सिखाउंदी है दूसरा इतिहास उहदा 7 अध्याय उसकी 14 आयत नूं मैं पढ़ांगा और तुसीं सारे बड़े ही ध्यान दे नाल उस आयत नूं सुनना। खुदा दे पाक कलाम दे विच लिखिया है दूसरा इतिहास उहदा 7 अध्याय उहदी 14 आयत, अते जे मेरी प्रजा जो मेरे नाम तो अखवाउंदी है अधीन हो के प्रार्थना करे अते मेरे दर्शन दी चाहवंद होवे अते अपने भैड़े राह तो मुड़े तां मैं स्वर्ग उत्तों सुन के उन्हां दे अपराध खिमा करांगा अते उन्हां दे देश नूं बहाल कर देंगा। सो प्रभु का कलाम सानू यह सिखाता है कि जदों भी साढ़े उत्ते संकट आता है तो सानू प्रभु दे हजूरी दे विच जाके प्रार्थना करनी चाहिए है। क्योंकि प्रार्थना जिहड़ी है वो हालातों नूं बदल देण वाली है, प्रार्थना रुख चेंज कर दिंदी है। इसलिए सुलेमान परमेश्वर का दास अपनी इस बाणी दे विच इस तरह लिखता है कि खुदा चाहुंदा है कि उहदे लोग मिल के दुआ करन
तो सानू चाहिदा है कि असीं बड़े ही दीनता दे नाल खुदा दे सामने अपने आप नू सरेंडर करिए और प्रभु दे सामने दीन करिए अपने आप नू। हर तरह का घमंड खुदावंद दे हजूरी विच असीं छड़ दईए और अपने पापां तो सच्ची तौबा करिए, अपने भैड़े रावां तो मुड़िए, खुदा दे सामने नीवे होइए ते दुआ करिए। तां मैं विश्वास करदा हाँ परमेश्वर जरूर इस कोरोना वायरस तो अपने लोगों को छुटकारा देवेगा, क्योंकि वह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए असी हुण प्रार्थना करांगे ताकि पूरे देश के अंदर जो हाहाकार इस समय मचया हुआ है, जिदे कारण लोग डर दे विच ने, जिदे कारण लोग दुख दे विच ने, आंसुओं दे विच ने और बड़े दुखी और परेशान ने, आइए असी उन्हां लोगों के लिए प्रार्थना करिए। मेहरबान जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के विच असी तुहाडी पाक हजूरी दे विच आउंदे हां। प्रभु इस वक्त जो पूरे संसार के अंदर इस कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी लोग पीड़ित ने, लोग दुख विच ने, प्यारे परमेश्वर पिता ओ खुदावंद असी दुआ करते हाँ पूरे देश के उपर तुहाडी कृपा नूं मंगते हाँ। परमेश्वर पिता तुहाडी कृपा नूं मंगते हाँ खुदावंद, इस तबाही तो खुदावंद तू ही अपने लोगों को बचा सकता है। तुहाडी बाणी दे विच लिखिया तुसी अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करते हो और आने वाली तबाही तो तुसी बचाते हो। प्यारे परमेश्वर पिता इस तबाही तो प्रभु जी तुसी अपने लोगों को बचाओ। मेरे परमेश्वर पिता उन्हां लोगों के उत्ते रहम करो, उन्हां लोगों के उत्ते दया करो प्रभु जी, जो इस कारण जो कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी पीड़ित ने, दुख विच ने खुदावंदा। ओ प्यारे परमेश्वर पिता स्वर्ग तो अपना हाथ वधा और उन्हां लोकां दे उत्ते रहम कर, उन्हां लोकां नूं छू, उन्हां नूं चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो सब लोग चंगे होके तेरी महिमा और तेरी बड़ियाई कर सकन। साडे देश दे उत्ते दया कर, पूरे विश्व दे उत्ते दया कर प्यारे परमेश्वर पिता। और इस वक्त प्यारे परमेश्वर मैं इटली लई प्रार्थना करदा, इटली दे अंदर खुदावंद जिन्ना भी कोरोना वायरस प्रभु तेरे नाम दे विच, ओ सारा कोरोना वायरस तेरे नाम च थम जावे खुदावंद। इटली दे लोगों दे उत्ते तू दया कर दे प्यारे परमेश्वर पिता। चाइना दे उत्ते खुदावंद तेरी वड्डी कृपा हो जावे प्यारे परमेश्वर पिता। जलंधर दे उत्ते खुदावंद तेरी कृपा होवे, पूरे पंजाब दे उत्ते तेरी कृपा हो जा, अमेरिका दे उपर और प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया दे उपर खुदावंदा और कनेडा दे उपर प्यारे परमेश्वर पिता जी असी प्रार्थना करते हैं। जिथे जिथे भी खुदावंद कोरोना वायरस फैलिया होया प्यारे परमेश्वर तेरे सामर्थी नाम दे विच थम जावे प्यारे परमेश्वर और लोग रिलीफ होण प्यारे परमेश्वर, लोग छुटकारे नूं प्राप्त करन प्यारे परमेश्वर पिता। अपनी कृपा नूं बहाल करो, अपने लोगों को शांति दो और इस तबाही तो तुसी अपने लोगों को आजाद करो और अपने लोगों को छुटकारा दो। तुहाडी दया साडे देश दे उत्ते, पूरे भारत देश दे उत्ते, पूरे संसार दे उत्ते प्यारे परमेश्वर पिता तेरी कृपा होवे। अज तो बाद खुदावंद कोरोना वायरस का असर तेरे नाम च खुदावंद थम जावे प्यारे परमेश्वर। इहदी सारी ताकत नूं तेरे नाम च असीं खत्म करदे हां प्यारे परमेश्वर पिता। अनुग्रह करो, कृपा करो खुदावंद, देश दे अंदर पूरे संसार दे अंदर वड्डी शांति होवे ते आउण वाले दिन सब दे लई भले हो जाण। तुहाडी बाणी च लिखिया तुसी क्या मेरी प्रजा जो मेरे नाम तो अखवांदी है दीन होके प्रार्थना करे, अपने भैड़े राह तो मुड़े, मेरे दर्शन दे चाहवंद होवे, तां तुसी क्या मैं उन्हां दे देश नूं बहाल कर देंगा। हाँ प्रभु बड़ी दीनता दे नाल तेरे सन्मुख आउंदे आ, रहम करो, फजल करो प्यारे परमेश्वर, हर गुनाह नूं माफ करो प्यारे परमेश्वर पिता, दया करो खुदावंद अपने लोगों नूं अपने सामर्थ्य नाम दे द्वारा बचाला मेरे परमेश्वर, और तुहाडी चंगाई दी सामर्थ नूं रिलीज करदे हां प्रभु जी। सारी दुनिया दा भला करो, सब दा भला करो, आउण वाले दिन सब दे लई भले दे हो जा। धन्नवाद दे नाल इस प्रार्थना नूं अपने खुदावंद प्रभु यस्सू दे नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन आमीन। सो मेरे प्यारियो, मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आप सब के लिए प्रार्थना की है और तुम विश्वास करो कि परमेश्वर परिस्थितियों बदल देने वाला परमेश्वर है, खुदा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपना ध्यान रखो, भीड़ भाड़ के इलाकों तो
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੇਨ।